ज्ञानी है, क्या हाल है आपके? ऐसा कौन सा ठग है जिसने ताजमहल, लाल किला और सांसद भेज दिया था? क्या आपको यह मालूम है कि फांसी देते समय अगर फांसी का फंदा टूट गया है तो क्या होगा? क्या फांसी की सजा माफ हो जाएगी या नहीं? और क्या आप यह जानते हैं कि सुई की बस हमेशा पीले रंग की ही होती है? अगर नहीं तो आपको इन्हीं बसों में रुककर इस वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो में आपके लिए बोनस पॉइंट और एक क्वेश्चन भी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए आज का ज्ञान शुरू करें। स्कूल की बस हमेशा पीला ही क्यों होता है? इसे पीले रंग से ही क्यों रंगा जाता है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के बसों को लेकर आदेश जारी किया कि प्राइवेट स्कूलों के बसों को पीले रंग का होना अनिवार्य है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है कि स्कूल के बसों को पीले रंग से रंगा जाता है, क्योंकि पीला रंग अन्य रंगों के मुकाबले 1.24 गुना अधिक आकर्षित होता है, जिसकी वजह से इसे दूर से भी देखा जा सकता है। और दूसरा कारण है, बच्चों की सुरक्षा के लिए बस को पीले रंग से रंगा जाता है। स्कूल बस को पीला रंग देने के पीछे सुरक्षा कारणों का भी ध्यान रखा जाता है। पीला रंग सर्दियों के दौरान घने कोहरे में भी साफ साफ दिखाई दे जाता है, जिससे कि घने कोहरे के दौरान किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो सके और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके, इसलिए स्कूल बस को पीले रंग से रंगा जाता है। अब बारी है आपके बोनस पॉइंट की। नंबर 1, गाय के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते। नंबर 2, फिनलैंड में दूध बेचना जुर्म है। नंबर 3, केले खाने से हमें खुशी का एहसास होता है और हमें गुस्सा कम आता है। नंबर 4, फांसी देते समय कभी रस्सी टूट नहीं सकती, क्योंकि फांसी देने से पहले उस आदमी या मुजरिम के आकार के और उसके वजन का एक पुतला लटकाया जाता है और उस पुतले से कई बार अभ्यास भी किया जाता है, यह जांचने के लिए कि रस्सी सही है या नहीं। और इसके अलावा हर फांसी के बाद रस्सी बदल दी जाती है, इसलिए फांसी के दौरान रस्सी टूटने का सवाल ही नहीं उठता। मगर मान लो फिर भी ऐसा हो भी जाता है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में मुजरिम का क्या होगा? अगर फांसी के दौरान रस्सी टूट भी जाती है तो भी उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, बस डेट और टाइम अलग होगा, क्योंकि जज पहले ही आदेश दे चुके होते हैं हैंग किल डेथ, इसलिए मुजरिम नहीं बच सकता। और फांसी से रिलेटेड एक बात आपको मैं और बता दूं कि फांसी की सजा माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही होता है, वो ही फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। और नंबर 5, मिथिलेश कुमार नटवर लाल, यह एक ऐसा ठग था जिसने राष्ट्रपति भवन को एक बार, संसद को एक बार, लाल किला को 2 बार और ताजमहल को 3 बार बेच दिया था। ये सदी का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। अरे हाँ, बेचने से याद आया, द ताजमहल इस नाम की एक फिल्म भी है जिसमें ताजमहल को बेचा जाता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि स्कूल बस पर पीला रंग क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, और बोनस पॉइंट में आपने बहुत ही रोचक तथा मजेदार तथ्य सुनने को मिले। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? मेरे ज्ञानियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। इस वीडियो को
अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।